आपने अभी इतनी सुपरहिट फिल्म करंटली फ्लाइट दी है, अब एक नई फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ इस पर रोशनी डालिए सब्जेक्ट पर, और इस फिल्म क्या है और क्या बना रहे हैं? ये स्टोरी जो है, पहले तो बहुत बहुत थैंक्स, आपने मेरे को बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मेरी सुपरहिट फिल्म के लिए। लेकिन ये जो फिल्म है ये एकदम अलग जॉनर की फिल्म है। ये एक ऐसे लड़के की स्टोरी है जो लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इंसान, बड़ा स्टूडियस और बहुत अच्छे लेवल पे कुछ करना चाहता था लाइफ में, लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बने लाइफ में जिससे कि वो शेर अली यानी कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर यूपी का बन पा। तो उस फिल्म के बेस के ऊपर, अगर मैं पूरी स्टोरी तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन उसका जो बेसिक थीम है इस फिल्म का वो यही है कि कैसे सरकमस्टांसेस कई बार लोग पैदा कर देते हैं कि एक अच्छे स्टूडियस बच्चे को टॉप का गैंगस्टर बनने पर मजबूर कर देते हैं। आप सब्जेक्ट के बारे में भले ना बताएं, लेकिन एक चीज़ बताएं कि पहली फिल्म तो आपकी जो कॉमेडी मैसेज बेस्ड थी जी, इस फिल्म के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जब नाम से डिफाइन करता है कि कोई गैंगस्टर और कुछ मारामारी टाइप की फिल्म हो, गैंग्स ऑफ शेर अली। हाँ, मैं ऑब्वियसली ये आपको बोलूँगा, मैं जितनी मूवीज़ बनाता हूँ मैं उसमें ज़्यादातर यही कोशिश कर रहा हूँ, जो आने आगे भी बना रहा हूँ मूवीज़, उनमें एक सोशल मैसेज हो। और ये फिल्म भी यूथ ओरिएंटेड फिल्म है, इस फिल्म से भी यूथ को बहुत बड़ा मैसेज मिलने वाला है। अब वो मैसेज किस तरीके से मिलेगा ये मेरे ख्याल से फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा, लेकिन 100% इससे यूथ इस फिल्म से बहुत इंस्पायर्ड होगा, ये चीज़ समझेगा लाइफ के अंदर कि नहीं, गैंगस्टर से अच्छी लाइफ, किसी और चीज़ से बढ़िया लाइफ अगर बितानी है लाइफ के अंदर, कुछ अच्छा काम करना है तो स्टडी है, बुरे लोगों से दूर रहने का। और जितने भी पॉलिटिकल लोग अपने आप दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करके उनके अच्छे टैलेंट को मिसयूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, वो इसका एक मैसेज देगा। लेकिन मैं इस चीज़ को आपको पहले क्लियर कर दूं, ये किसी भी पुरानी फिल्म जिन जो और आपने मूवीज़ देखी हैं उसमें आपने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को देखा होगा, बहुत सारे और लोगों को देखा होगा, उससे बिल्कुल हटके है, मतलब इसका कहीं कोई रिलेशन पॉलिटिक्स से नहीं है। आप इसमें स्टार कास्ट किसको ले रहे हैं, नए लोग हैं या पुराने भी लिए? इसमें ऋषभ चौहान नया लड़का जिसको मैं लॉन्च कर रहा हूँ, मैक्सवेल ग्रुप इसको लॉन्च कर रहा है बेसिकली, और ऋषभ जो है वो बेसिकली रुड़की से बिलोंग करता है, और मेरे ख्याल से लाइफ के अंदर ऋषभ का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और उसने इसके लिए बहुत मेहनत की है, अपनी बॉडी के ऊपर बहुत वर्क कर रहा है वो। आज भी जो हम इसका फ़ोटो शूट कर रहे हैं, पोस्टर शूट, टीज़र पोस्टर शूट जो 12 तारीख को हम लोग आप मीडिया के सामने रखेंगे, ये इसने 18 घंटे से अभी तक कुछ ना कुछ खाया ना पिया है, मतलब इस लेवल पे मेहनत कर रहा है। आप इस ये सॉरी से कि पहले भी पॉलिटिकल फिल्में और यूपी और बिहार खास करके बेस कर फिल्में बनी हैं और वो फिल्में ज़्यादातर सेंसर से कट जाती हैं जी, सेंसर में मालूम पड़ता है कि बाद में खाली फिल्म के टाइटल्स बचे और कुछ ही सीन्स बचे, इसके अंदर क्या ऐसी कोई संभावना होगी? सेंसर के सर नॉर्म्स हैं कुछ जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है, उनके कुछ ऐसे नॉर्म्स बने हुए हैं कि आपको कुछ ऐसे सीन नहीं दिखाने जो लोगों को विचलित करें, कुछ आपको ऐसी चीज़ें नहीं दिखानी। मेरे ख्याल से वो कोई भी चीज़ इसमें नहीं होगी, ना इसमें कोई ऐसी अब्यूज़ गालियाँ होंगी कि जिससे लोगों को लगे यार हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते, पूरी कंप्लीट फैमिली मूवी होगी विद अ सोशल मैसेज। कब तक फ्लोर पर जाएगी पिक्चर? हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर के अंदर फ्लोर पर होंगे। इसको संजय मासूम जी लिख रहे हैं, संजय मासूम जी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, आपको पता ही, उन्होंने क्रिश लिखी है, उन्होंने गायल 2 लिखी है और तमाम बहुत अच्छी फिल्म्स लिखी हैं। कुमार जी जो बहुत अच्छे लिरिक्स राइटर हैं, वो उसकी लिरिक्स लिख रहे हैं। सो तमाम अच्छी फिल्म, अच्छे लोग, उनको लेके इस ऋषभ को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, गैंग ऑफ वसेपुर ने तो बहुत कमाल कर दिया था और यहाँ तक कि कुछ इंसिडेंट्स अभी रिसेंटली हुए हैं जो कि गैंग ऑफ वसेपुर से ही प्रेरित थे, क्या आपके फिल्म में भी कुछ इस तरह की चीज़ें? मैं तो चाहता हूँ कि गैंग्स ऑफ शेर अली से भी लोग कुछ प्रेरित हों, लेकिन पॉजिटिव वे में, नॉट इन अ नेगेटिव वे। थैंक यू। हम आपके नए अभिनेता ऋषभ चौहान चौहान जी से जानना चाहेंगे। ऋषभ, आपने इस फिल्म के लिए क्या क्या तैयारियाँ की? बेसिकली ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, 6 ईयर्स से आई वॉज वर्किंग कि मेरे को कुछ ना कुछ इंडस्ट्री के लिए अच्छा करना है। तैयारी सबसे पहले मेरा टारगेट था कि मेरे को एक लैंडमार्क तैयार करना है कि मुझे अपने आप को फिजिक वाइज, जो यूथ में आजकल एक बहुत बड़ा एजेंडा हो गया कि लोग बॉडी बनाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें टारगेट नहीं पता कैसे करना है। तो मैं एक दिखाना चाहता हूँ कि 22 साल का लड़का भी क्या कर सकता है, किस लेवल तक की मेहनत कर सकता है, और एक पॉजिटिव वे में। इस फिल्म का ब्रेक मिलने के पहले आप क्या करते थे? उससे पहले मैंने अपनी जो स्कूलिंग है मैंने रुड़की से करी है, ग्रीनवे स्कूल से करी है, उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीए करी है और साइड बाय साइड में इसकी तैयारी कर रहा था। और पिछले 4 ईयर्स से आई वॉज लाइक पूरी बॉडी में मैंने अपना ध्यान दिया और 2 साल से आई वॉज इन मुंबई, मार्शल आर्ट भी सीख, मार्शल आर्ट्स रेगुलर मेरा चल रहा है। आपके निर्देशक ने तो लगभग 300 से ज़्यादा
म्यूजिक एल्बम्स दिए हुए हैं और अभी हाल ही में इनकी फिल्म ने जबरदस्त बिजनेस किया है और जिसको कि हिंदी में भी बनाने जा रहे हैं बहुत जल्द। आपको क्या लगता है कि आपके कैरेक्टर के साथ या आपकी फिल्म के जिसमें फिल्म में आप रोल कर रहे हैं ये जस्टिफाई कर पाएंगे? मैं अपने आप को शायद हमारे देश में मोर देन 100 CR पॉपुलेशन है तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि रुपेश सर के अंडर मेरे को काम करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोग देखे हैं, बहुत मेहनती लोग देखे हैं, लेकिन एक लैंडमार्क इसमें भी इन्होंने सेट कर रखा है कि इससे ऊपर मेहनत नहीं हो सकती। तो मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ और मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ को लेकर कि हम इस चीज़ को पूरा जस्टिफाई करेंगे और यूथ को हम बहुत एक अच्छी मूवी देने जा रहे हैं। इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं और 100% मुझे इस पर विश्वास है कि ऊपर वाला हमारा साथ देगा और पब्लिक हमें प्यार देगी। दो सवाल रुपेश जी आपसे। पहली बात तो ये कि आपने जिस राइटर का नाम लिया संजय मासूम, उन्होंने बहुत सारी मार धाड़ की फिल्में बनाई हैं, हालांकि उसमें अच्छे पंचेज भी दिए हैं, आपके कैरेक्टर के आपके सब्जेक्ट के साथ कितनी जस्टिफाई करेंगे? मेरे कैरेक्टर के साथ इसलिए जस्टिफाई करें क्योंकि मैं ये बेसिकली इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं ये कहीं ना कहीं रियल स्टोरी है। इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें यूपी में मेरे सामने घटित हुई हैं जिनको मेरी नॉलेज में थी कि हाँ शेर अली एक ऐसा कैरेक्टर था। मैंने संजय जी के साथ बैठ के पूरा डिस्कस किया, मेरे ख्याल से आज एक महीना हो गया हम लोगों की रोज़ सिटिंग होती है और वो हमसे सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस करते हैं ऑलवेज़ कि हम इस फिल्म को कितना रियल बनाएं, रियलिस्टिक सीन कितने ज़्यादा डालें। तो संजय जी की एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो पहले पूरे उस एटमॉस्फेयर को समझते हैं, डायरेक्टर के माइंड को समझते हैं, उस जगह जहाँ हमने शूट करना है उस जगह के एटमॉस्फेयर को भी बड़े अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी वो मेरे साथ मेरठ जा रहे हैं, कानपुर जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, जहाँ जहाँ हमारी शूट्स होनी है उन जगहों की हम पूरी रेकी करेंगे और एक हफ्ता हर जगह के अंदर रुकेंगे जिससे कि वो उधर की लैंग्वेज को भी जान लें। आखिरी सवाल, ऋषभ के अलावा आपकी फिल्म में और कौन कौन एक्टर? ऋषभ के अलावा मैं आपको बताऊँ बहुत सारे को आर्टिस्ट जो इंडस्ट्री के बड़े एस्टेब्लिश आर्टिस्ट होंगे वो सब लोग होंगे। मैं नाम आपको इसलिए नहीं अभी डिस्क्लोज कर पाऊँगा क्योंकि उनके टोकन उनको एडवांस उनका नेक्स्ट मंथ से हम लोग उनको सबको साइन करेंगे, तो अभी मेरा नाम बोलना ठीक नहीं, लेकिन हमारी पाइपलाइन में सारे बड़े नाम हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अरे मेरा पुराना दोस्त है वो, उसके साथ मैंने अगली फिल्म का राइटर मिल गया हमको, ठीक है अरुण जी हमारी अगली फिल्म हो गया सर। जिससे ज्यादा इंटरव्यू करने का मतलब नहीं है, और अब तो फिर पूरी फिल्म ही बुलवा दोगे यार। अच्छा और वो कोई और है प्रोड्यूसर का मैडम? मदर है, मदर सब देखिए मदर क्या बोलेंगे आप उनको रिलीज कराइए पहले। हां करने से फिर सवाल उनसे करते हैं। हाँ वो तो वो इंट्रोड्यूस करेंगे तो नाम लेंगे ना, इसीलिए तो पहले रुपेश जी के कंधे पे गोली चला रहा हूँ कर रहा है। और ये जो स्टोरी है बहुत मेहनत करता है लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस के कारण उसको एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना पड़ता है। क्या क्या किस लिए आजकल लोग फिल्म के अंदर ऐसे हीरो जाते हैं कास्ट लेते हैं? आपने सीधा और सटीक आंसर दे देता हूँ कि टाइगर श्रॉफ जो है वो भी एक बारी के लिए नया ही था, सब एफर्ट जो है इंडस्ट्री के लिए ऑडियंस के लिए। उसके फादर ज़रूर एक बहुत मैं बहुत बड़ा फैन जैकी श्रॉफ का। ऋषभ का जो बैकग्राउंड है वो एजुकेशन लाइन से शूट्स पे स्टीव पोस्टर शूट के लिए मेहनत कर रहा है, या फिर ऋतिक रोशन रहे हैं सब ने पहली बार कभी ना कभी तो फर्स्ट टाइम किया ही था। इस फिल्म को लिखा किसने है? इसको फिल्म को जाने का नवंबर में हम लोग। जब आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसा कि उन्होंने रुपेश जी ने बताया कि आप एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे पापा रुड़की IIT से उन्होंने अपनी बीटेक करी है एंड मेरी जो नानी वगैरह वो लोग भी इसी से फील्ड में। लेकिन आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच पेरेंट्स कि ज़रूरी नहीं होता कि आप अगर एजुकेशन से सकते हो, मैं स्लैक नहीं था मेरी मम्मी ने। एंड सेकेंडली एजुकेशन से मेन थिंग होती है आपकी जो प्री एजुकेशन जो आपने 12th करी उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन करी वो करके मैं अपनी पैशन को लाइफ जी रहा हूँ। मोर ओवर सबसे बड़ी बात है मेरे पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज मोर सफिशिएंट। मैं आपकी मदर माला चाहूँ नहीं आई नेवर थॉट कि मेरे फुटस्टेप्स पे मेरे एजुकेशनल फुटस्टेप्स पे चले बिकॉज मैं अपने स्कूल में कई पेरेंट्स एवरी डे आई कम अक्रॉस सो मेनी पेरेंट्स जिनकी एक ही प्रॉब्लम रहती है कि मैं चाहती हूँ मेरा बेटा ये बने, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी ये बने। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि नहीं He's got a wonderful physique, he's got everything. Based थी कॉमेडी लेकिन मैसेज के था एक साथ इतना स्ट्रीम बना पाए। देखिए जो स्टोरी है हमारी पूरी यूथ बेस्ड है, मतलब यूथ में लोगों को एक्शन पसंद है, हम एक्शन देंगे। हम लोग जैसे भी सर ने आपको बताया कि हम सब कुछ नहीं बता सकते हैं,
आपको बहुत जल्दी पता लगेगा क्या क्या इस मूवी में है, लेकिन हाँ जो पब्लिक हमें एक्सेप्ट करे। और थैंक्स टू सुनील ब्लास्ट कमिंग सर।